स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, आज खुशखबरी लेके आया हूं आपके लिए। आप सब बिजनेस या तो शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं या बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन सबको जरूरत है पैसा कहां से आए, रोकड़ा कैश इन्वेस्टमेंट किधर से आए। आज इन सारी प्रॉब्लम का उत्तर एक ही वीडियो में फट से देने वाला हूं। आज चर्चा करते हैं स्टार्टअप में, एक तो हो गया स्टार्टअप स्टेज, एक अर्ली स्टेज, एक ग्रोथ स्टेज और एक मैच्योरिटी स्टेज। अगर आप बिल्कुल ही स्टार्टअप है तो ये स्टेज होता है FFF। क्या होता है? फ्रेंड्स फैमिली। शुरुआत में जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप पैसा ऐसे ही लेते हैं, या तो पिताजी से लेते हैं या दोस्त से लेते हैं, रिश्तेदार से लेते हैं। और तीसरा एफ क्या है? फूल्स। कई बार हम देखते हैं लोग किसी को जाकर बेवकूफ़ बना के आ गए, भाई बहुत बड़ा आइडिया लगा दे पैसा। तो फ्रेंड्स फैमिली फूल्स, इसी तरह से शुरू में पैसा लिया जाता है, लेकिन इसके बाद जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। ये स्टार्टअप की अर्ली स्टेज है। एंजल इन्वेस्टर कौन है? ये वो एक एंजल की तरह आता है, थोड़ी सी हेल्प करता है, थोड़ा सा हिस्सा लेता है और आकर के कोशिश करता है कि आपको बिजनेस में प्रॉब्लम से निकाले। लेकिन अब एंजल इन्वेस्टर के बाद सबसे बड़ा फोकस, जो आज बड़ा पॉपुलर वर्ड है, इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। इसको मैं डिटेल में आगे समझाता हूँ। फिर आता है प्राइवेट इक्विटी। ये वो है जो बिजनेस बड़ा होने के बाद इन्वेस्ट करता है। आज ज़्यादा बात करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, इन दोनों के बारे में। वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी में सबसे बड़ा अंतर यह है कि VC आपके लिए सीड कैपिटल लाता है और प्राइवेट इक्विटी आपके लिए ग्रोथ कैपिटल लाता है। दोनों में बड़ा अंतर है। सीड कैपिटल, आपको आइडिया में पैसा चाहिए, आपके पास केवल आइडिया है, बिजनेस नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कोई आपके साथ इन्वेस्ट कर दे, तो ये वेंचर कैपिटल के पास जाना पड़ेगा, जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होते हैं। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर तब आएगा जब आपके पास रोकड़ा दिखाई पड़ेगा, जब उसको प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा, उसको पिछले 5 साल के टर्नओवर में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई पड़ेगा, उसको दिखेगा कि ये आदमी स्टेबल तरीके से बिजनेस चला रहा है। VC इन्वेस्टर जो होता है वो हर धंधे में फोकस नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर के धंधों में फोकस करता है, वो टेक्नोलॉजी में करता है, वो बायोटेक में करता है, लेकिन PE इन्वेस्टर हर स्टेबल बिजनेस में फोकस करता है। PE अक्रॉस पोर्टफोलियो जा सकता है, आप चाहे मैन्युफैक्चरिंग में, आप रिटेल में हैं, चाहे आप IT के अंदर, आप FMCG में, आप किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री में PE आपके पास आ सकता है, उसको आपके बिजनेस में स्टेबिलिटी चाहिए। अमूमन क्योंकि VC एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में काम करता है, जब बिजनेस स्टार्ट हुए बिना पैसा लगा देता है तो VC अमूमन कम पैसा लगाता है, मे बी बिटवीन $1 million टू मैक्सिमम $5 million, लेकिन PE तो शुरुआती $10 million से करता है और वो काफ़ी पैसा लगाने के लिए अग्रेसिव रहता है। देखिए VC जो होता है ना, उसका शुरू से ही फोकस होता है कि ये कंपनी फट जल्दी बड़ी हो जाए, इसीलिए बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में काम करता है, उसका फोकस प्रॉफिट पे नहीं है। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को आपसे प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसको आपसे सेल्स चाहिए, उसको आपसे बड़ा मार्केट शेयर चाहिए, लेकिन PE को आपसे सेल्स नहीं, प्रॉफिट चाहिए। मैं समझा पा रहा हूं आपको, यानी कि VC सेल्स पे फोकस करेगा, PE प्रॉफिट पे फोकस करेगा। इसका मतलब है VC टॉप लाइन पे फोकस करेगा, आपकी जो PNL अकाउंट बनता है ना, PNL स्टेटमेंट, वो टॉप लाइन पे फोकस करता है, ये बॉटम लाइन पे फोकस करता है। ये कहता है कि भैया फाइनल प्रॉफिट दिखाओ, सेल कितने भी हो। VC फोकस करेगा मार्केट शेयर बड़ा हो जाए, PE फोकस करेगा प्रॉफिट शेयर बड़ा हो जाए। दोनों में बड़ा अंतर है, क्योंकि PE को अब ऐसा है उसको जल्दी बाहर निकलने की नहीं है, लेकिन VC के दिमाग में बहुत जल्दी है। VC को क्या है कि भाई इसने नई कंपनी चालू करी, इसके पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी लग रही है, अभी इसकी वैल्यूएशन 1 करोड़ की करके इसको 30 लाख दे देता हूँ, 30% इक्विटी ले लेता हूँ, ये फट कंपनी 1 करोड़ से 100 करोड़ हो जाएगी, ये ऐसे ही 100 करोड़ हो जाएगी, मेरा पैसा 30 करोड़ हो जाएगा, दिया था 30 लाख मिलेगा 30 करोड़, अरे जल्दी कर, प्रॉफिट आए ना आए तेरा वैल्यूएशन बड़ा करा देंगे हम। PE स्टेबल है, उसको इतना जल्दी नहीं है, वो कहता है अच्छे से काम करो, ध्यान से काम करो, प्रॉफिट ला के दिखाओ, एक्सपेंशन बिना प्रॉफिट के मत कर देना। PE को चिंता है मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, VC पहले ही तैयारी करके आता है, इसको फटाफट बड़ा करके दिखा देंगे, दोबारा वैल्यूएशन करेंगे, दूसरा इन्वेस्टर लाएंगे, अपना स्टेक उसको बेचूंगा, अपनी टोपी उतार के उसको पहनाऊंगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। VC शुरू से ही ये सोच के आता है आपकी कंपनी में, वो हाई रिस्क पे काम करता है, ये लो रिस्क पे काम करता है। VC अमूमन दूसरे VC को टोपी पहना के निकलता है, PE रुका रहता है, IPO आने का वेट करता है और उसका एग्जिट IPO के साथ होता है। इन्वेस्टमेंट छोटा है VC का, वो हाई रिस्क पे काम करेगा, इसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, ये हमेशा लो रिस्क पे काम करेगा। अब देखिए समझिए, VC क्योंकि छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 100 कंपनी में छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर देता है, वो जानता है 100 में 90 फेल होंगी ही, लेकिन उसको पता है ये जो 10 बड़ी होने वाली है ना,
ये 10 उसको इतना बड़ा कर देंगी कि पिछले 90 का पैसा बाहर आएगा और आने वाले 200 का भी पैसा पहले ही कमा के दे देगा। ये वीसी शुरू से ही उस कंपनी पे फोकस करता है जो तेजी से बड़ी होती है, जिसकी अगली वैल्यूएशन भी बहुत बड़ी हो जाएगी। पी का चक्कर नहीं है, पी कहता है भैया रिस्क नहीं चाहिए मुझे, मुझको स्टेबिलिटी चाहिए। वैसे तो दोनों का ही फोकस सेम होता है कि अपने अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को एनहांस कर सके, अपने स्टेक की वैल्यू को एनहांस कर सके। दोनों पी और वीसी और भी कई सारे पी और वीसी के संपर्क में हमेशा रहते हैं। दोनों का ही ये इच्छा रहती है कि जितना इन्वेस्ट किया है उसका मार्केट का वैल्यू बड़ा हो जाए, ताकि मैं बाहर निकलूं तो प्रॉफिट लेकर निकलूं। दोनों का काम एक जैसा है, पर दोनों की बस टाइमिंग में फर्क है। ये शुरू में मिलता है, ये लेटर अच्छी स्टेज पर जाके मिलता है। ये और डेट फाइनेंसिंग और प्राइवेट इक्विटी, ये सिमिलर स्टेज पे आते हैं जब बिजनेस का मॉडल, बिजनेस का मेथड, कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसका ऑपरेशन स्टेबल होता है, तब आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट और चाहिए एक्सपेंशन के लिए, तो आप लोन और प्राइवेट इक्विटी दोनों ले सकते हैं। पर ध्यान दीजिए, अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो प्राइवेट इक्विटी को मत बुलाइए। अपना स्टेक क्यों देते हैं छोटे से कर्जे पे, आप समझ पा रहे हैं, 9% 12% पे आप लोन लेकर के आप फटाफट नया बिजनेस एक्सपैंड करें। लेकिन अगर आपके बिजनेस में आपको लगता है कि रिस्क है, आपके बिजनेस में लगता है कि आप हाथ के हाथ ईएमआई नहीं पे कर पाएंगे, आपके बिजनेस में लगता है कि अगले दिन से ईएमआई चालू हो जाएगी आप नहीं दे पाएंगे, तो इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी ले आइए। अगले दिन से ईएमआई देने का झंझट तो नहीं है, कम से कम वो आपको और अश्योरेंस देता है और अपने स्टेक को बड़ा करने में लगा है, उसको तुरंत पैसा नहीं चाहिए। बैंक हाथ के हाथ पैसा देना शुरू कर देगा, आपको लोन देते ही ईएमआई चालू कर देगा, कम से कम प्राइवेट इक्विटी के साथ ऐसा नहीं होगा। तो मैंने आपको तरीके बताए बिजनेस में पैसा आता कैसे है, यही मेरा फोकस रहता है। आज पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, नेगेटिव कैश फ्लो और नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी के कारण सारे स्टार्टअप बंद हुए जा रहे हैं। मैं इस तरह के कई वीडियोज बना रहा हूं और लीडरशिप में इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन आजकल कर रहा हूं। इस पे एक चैप्टर हमने ऐड किया हुआ है अपने लीडरशिप फनल में कि आपको फंड किस समय कहां पे कैसे चाहिए, और अगर आपको फंड चाहिए, आपको उसकी डिटेल हेल्प चाहिए, इसी नंबर पे फोन करिए और यहां पे आप हमारी कॉर्पोरेट टीम से बात करिए, वो आपके लिए आकर के आपको राइट एजेंसी से मिलवा देंगे और राइट एजेंसीज आपको फंड करने में हेल्प करेंगी। लीडरशिप फनल में आइए, वहां पे हमारे साथ एजेंसीज पार्टनर रहती हैं जो आपको फंडिंग में आपके बिजनेस मॉडल को, आपके स्टार्टअप आइडिया को समझ के आपको पैसा देने के लिए तैयार रहती हैं। ये लीडरशिप फनल मील का पत्थर साबित हो रहा है, केवल ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, 6 महीने 25 फ्रेमवर्क देते हैं आपको। कम ऑन, कितने 25 फ्रेमवर्क इन 6 महीनों में देते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप हमारे असाइनमेंट कोच की मदद से, हैंड होल्डिंग के द्वारा आपके बिजनेस को 6 महीने में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। आपको वहां पे और जिन जिन फंक्शंस की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसी एजेंसीज को आपके साथ इन्वॉल्व करते हैं जो आपको मदद कर सके। हमारे देश के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर जिनके पास पोटेंशियल बहुत है लेकिन उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, उसी के लिए मैं ऐसे वीडियोज बना रहा हूं। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और अगर आपके आसपास कोई हमारे चैनल की जरूरत में, उसको सब्सक्राइब करा के नियमित रूप से हमारे वीडियोस दिखाइए। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने मित्र को, अपने बड़े भाइयों को, सबको ये वीडियो शेयर करिए, अपने बिजनेस सर्कल में करिए, ताकि लोगों को पता चले पैसा कैसे लाया जाए मार्केट से। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, बहुत सारे देशवासियों का सपना इसीलिए मर जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये वीडियो जरूर पूरे भारत में फैला के उनकी मदद करें। आई एम श्योर आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, वीडियो लाइक करने से मेरा उत्साह बढ़ता रहता है। अगला प्रश्न है, बिजनेस से संबंधित सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे व्यापारियों की क्या है? एक बार और, कम ऑन, बिजनेस संबंधित सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे व्यापारियों की क्या है? आप प्रश्न का उत्तर देते हैं, मैं उसी पे वीडियो तुरंत बना देता हूं। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।